हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है टर्म्स, इसके बारे में पहले से ही आप देख लीजिए। कॉम्पोजिट होता क्या है? कॉम्पोजिट मीन्स कंबाइनिंग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जो हमने की थी, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसलेशन इनवर्स, जब उनको एक चीज में कंबाइंड करते हैं, हम कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर आप देख सकते हैं, लिखा है मैंने परफॉर्मिंग मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन। किसी एक वैल्यू पे एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आप लोगों को ये मेथड, ये फॉर्मूला, ये टॉपिक एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। वो था दिसंबर 2013 में, वो क्वेश्चन आया था थर्ड पेपर में, आपके सामने लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए। व्हाट स्टेप्स शैल बी रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट P1 एज शोन इन फिगर 1 एंड इट्स प्लेसमेंट सच दैट व्हाट वाज एट P1 इज नाउ रिड्यूस्ड एंड इज एट P2 एज शोन इन फिगर 2। तो ये क्वेश्चन है हमें, इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे इन्होंने रोटेट वर्ड यूज किया है, आपको सामने दिख रहा है, तो आप सोचोगे भी इसमें रोटेशन यूज होगी। तो इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें बताइए कौन कौन से स्टेप्स यूज हुए हैं, क्या ट्रांसलेशन हुई है, क्या रोटेशन हुई है, क्या स्केलिंग हुई है, क्या ट्रांसलेट टू फाइनल पोजिशन P2 हुआ है या नहीं। तो काफी स्टूडेंट्स जो जिनसे मैं क्वेश्चन ये पूछा है, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया था कि मैम इसमें जस्ट रोटेशन यूज हुई है, ठीक है ना, तो कहीं स्केलिंग की बात हुई है ना ही कहीं ट्रांसलेशन की। तो अब हम देखते हैं, फिर एंड में मैं आपसे पूछूंगी भी क्या क्या हमने इसमें यूज किया है। हाँ जी, जितने भी ट्रांसलेशंस मैंने पीछे आपको करवाई है, ट्रांसफॉर्मेशंस करवाई है, ट्रांसलेशन रोटेशन, वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन थी, आपके ध्यान में हो, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या थी, ओरिजन। अभी क्या बोला है इन्होंने कि रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट P1। अभी जो हमने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, घुमाना है, तो वो किसके थ्रू करना है, P1 के थ्रू। लेकिन सीखा क्या था हमने, अबाउट ओरिजिन। क्योंकि हमने ओरिजिन के थ्रू हमें करना आता है, तो पहले हम क्या करेंगे, P1 को उठा के ओरिजिन पे रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं हमारा, यहाँ पे इसी डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, P1 को उठा के ओरिजिन पे रख रहे हैं। ये ओरिजिन है 0, यहाँ पे P1 रख दिया। नेचुरली जब P1 को उठा के इधर रखा, तो साथ में डायग्राम भी मूव हुई, तो वो डायग्राम अब हमारी यहाँ पे ऐसे बन चुकी है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। व्हाट स्टेप शैल बी रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट P1। P1 के थ्रू हमने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, P1 के थ्रू नहीं आता, P1 को उठाकर ओरिजिन पे रख दिया। अभी ओरिजिन के थ्रू आपको रोटेशन आती है ना, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या किया हमने, P1 को मूव किया। सेकेंड स्टेप बोल रहे हैं हम, अभी सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को रोटेट कर देंगे यहीं पे, ये हमारा P1 है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया जी, ट्रांसलेशन ऑफ P1 एट ओरिजन। तो ट्रांसलेट P1 टू ओरिजन, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका। सेकंड स्टेप जो इन्होंने बोला था, क्या बोला था, रोटेट, यहां पे लिखा हुआ है रोटेट वर्ड, तो रोटेट हमने सेकंड स्टेप में कर दिया। इट मींस फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप तो इसमें चला गया, मतलब हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिए क्या इसमें स्केलिंग हो रही है या नहीं हो रही, डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे लिखा है P1 इज नाउ रिड्यूस्ड, P1 का साइज भी रिड्यूस हो रहा है, उसका जो भी डायग्राम दिया है उसका साइज रिड्यूस्ड हो रहा है। जब साइज किसी चीज का इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब बढ़ता है या कम होता है, तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या हो रही होती है, उसकी स्केलिंग, तो साइज विल बी रिड्यूस्ड। हम यहाँ पे थर्ड स्टेप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका साइज भी हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, ये अभी P1 पे ही है। इट मींस स्केलिंग एज रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी, क्योंकि साइज इसका रिड्यूस हुआ है।
और लास्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट करना था विद रिस्पेक्ट टू P1, अब हम P1 को उठा के वापिस रख देंगे। वापिस कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ये हमारा P1 पॉइंट है। और ये नई डायग्राम क्या बन गई, P2। P2 डायग्राम कैसी है, जो P1 से बनी है, इस डायग्राम से बनी है विद रिस्पेक्ट टू P1। इसको हमने रोटेट किया, स्केल किया, वहां पे शिफ्ट किया, तो ट्रांसलेट टू फाइनल पोजीशन P2 इज आल्सो इंप्लीमेंटेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सारे इंप्लीमेंट हुए हैं, तो ऑल वाली ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। तो ये था कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्पोजिट बेसिकली है क्या, कंबाइनिंग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हमने ट्रांसलेशन इनवर्स यूज किया है, रोटेशन यूज किया है, स्केलिंग इनवर्स यूज किया है, एंड ट्रांसलेट टू पॉजिटिव पॉइंट भी यूज किया है। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ के रिलेटेड कई क्वेश्चंस और भी आए हैं, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हैं जो हम कवर करेंगे आगे की वीडियोस में। तो आज का टॉपिक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमें रिव्यूज दीजिए इसके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के लिंक्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं। थैंक्स अ लॉट।